मैं श्रीनगर के ऐतिहासिक बाना सिंह परेड ग्राउंड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस परेड ग्राउंड का नाम भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र विजेता जैकलाई रेजिमेंट के सूबेदार मेजर एवं ऑनरी कैप्टन बाना सिंह साहब के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में 26 जून 1987 को अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय एवं असाधारण वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान की काया चौकी पर भारतीय सेना का परचम लहराया था। HOD चेस्ट मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर, विंग कमांडर मानव दत्त शर्मा, वन विंग एयरफोर्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट मेजर लिंटो मंजली, 4015 फील्ड हॉस्पिटल, देश के समस्त सैन्य सेवा डॉक्टर व उनके सहकर्मी, सिविलियन डॉक्टर एवं सभी स्वास्थ्य सेवा दल, सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी कोरोना योद्धाओं की उपस्थिति भारतीय सेना के लिए गौरवमय क्षण है। हम सभी को ज्ञात है कि आज भारतवर्ष ही नहीं अपितु समूचा विश्व कोरोना महामारी से विगत 5 माह से लड़ रहा है तथा विश्व स्तर पर समस्त बुद्धिजीवी इस लड़ाई पर विजय प्राप्त करने तथा मानवता को मुश्किल चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत हैं। इस विषम परिस्थिति में इच्छित परिणाम प्राप्त करने हेतु देश में अनेकों कोरोना योद्धा जैसे डॉक्टर्स एवं उनकी समस्त टीम, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी तथा कुछ स्वैच्छिक संगठन 2400 घंटे अपने परिवार से दूर रहकर देश सेवा में सराहनीय योगदान दे रहे हैं। अतः ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस मुश्किल घड़ी में करुणा, सेवा, समर्पण व संवेदना का भाव रखता है, अभिनंदन का पात्र है। नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल, ADC व 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल एवं चिनार कोर के अधीन समस्त पद। इस वैश्विक महामारी के दौरान आप सभी कोरोना योद्धाओं को आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए सत-सत् नमन करते हैं। आज भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान व चिनार कोर के अंतर्गत जैकलाई रेजिमेंटल सेंटर का पाइप बैंड एक मनमोहक प्रस्तुति आप कोरोना योद्धाओं को समर्पित करता है। आशा है कि समर्पित प्रस्तुति आप सभी सहर्ष स्वीकार करेंगे। साहिबान, अब से कुछ ही क्षणों बाद पाइप बैंड चिनार कोर की तरफ से कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन करते हुए सुस्वागतम धुन के साथ इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में आगमन करेगा। धुन को कंपोज किया गया है सूबेदार LB गुरुंग ने तथा आज इस पाइप बैंड की अगुवाई कर रहे हैं बैंड मास्टर नायब सूबेदार सुखदेव राज। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप तालियां बजाकर इन सैनिकों तथा समस्त कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई करें।
जज साहब, श्री बार जितना सिपाही बैठ निश्चय करने की अनुमति जताओ। जज साहब, आज के इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति एक देशभक्ति गीत, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा की मधुर धुन पर अब पाइप बैंड एक शानदार प्रस्तुति की ओर। गीत की धुन को कंपोज किया गया है मेजर महिंद्रा दास द्वारा। इस धुन को भारतीय सेना में परेड के दौरान क्विक मार्च करते समय बजाया जाता है। इस कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति 100 पाइपर्स क्विक मार्च। भारतीय सेना में विभिन्न परेड के दौरान जवानों को क्विक मार्च कराने हेतु 100 पाइपर्स क्विक मार्च धुन को बजाया जाता है। यह स्कॉटलैंड देश का एक परंपरागत गीत है, जिसकी धुन को कंपोज किया गया है कैरोलिना नेरने द्वारा। इस धुन के दौरान पाइप बैंड स्वयं को कई प्रकार की आकृतियों में ढाल लेता है।
भाई बैंड की अगली पेशकश स्काई बोर्ड सॉन्ग। यह एक स्कॉटिश गीत है। परेड के दौरान सैन्य टुकड़ी को स्लो मार्च कराने हेतु स्काई बोर्ड धुन को बजाया जाता है। इस धुन को कंपोज किया गया है पीएमडब्ल्यू रोस द्वारा। संस्कृति एवं सभ्यता में भारत देश अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ समस्त धर्मों के लोग आपसी सहयोग एवं भाईचारे के साथ रहते हैं। परिणाम स्वरूप आज भारतवर्ष विश्व मंच पर प्रथम पंक्ति में खड़ा है। इसी को चरितार्थ करते हुए पाइप बैंड की अगली पेशकश सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। गीत की इस मधुर धुन को कंपोज किया गया है श्री ए लोबो द्वारा। इस प्रस्तुति के दौरान पाइप बैंड इस धुन को बजाते हुए अपने आप को एक व्रत में ढाल लेता है। अब पाइप बैंड की एक अन्य शानदार प्रस्तुति स्ट्रेस फेयर रील। इस धुन पर पाइप बैंड व्रत में रहते हुए स्लो डांस और क्विक डांस के अद्भुत नजारे का प्रदर्शन करता है।
अब एक अति लोकप्रिय देशभक्ति गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा कि मधुर धुन पर अब राष्ट्र ध्वज को परेड ग्राउंड में लाया जाएगा। इस गाने को भारतीय सेना में सैन्य गीत के रूप में स्वीकार किया गया है और गाने की मनमोहक धुन को कंपोज किया है मेजर एच बी ब्राल ने। उपस्थित समस्त गणों से अनुरोध करता हूं कि आप राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वर्दीधारी राष्ट्रध्वज को सल्यूट करें तथा शेष जन सावधान मुद्रा में खड़े रहें। एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर एक साथ कोरोना योद्धाओं की जय तथा भारत माता की जय पुकारें। Yeah!
मैं डिस्प्ले समाप्त हुआ, बैंड को ले जाने की अनुमति चाहता हूं। जज साहब, और अब पाई बैंड की कोरोना योद्धाओं के सम्मान में अंतिम पेशकश जय जन्मभूमि। इस देशभक्ति गीत की मधुर धुन पर पाई बैंड क्विक मार्च में सलामी मंच से गुजरेगा एवं इसके उपरांत गीत की सुर में धुन के साथ अपनी प्रस्तुति का समापन करेगा।